देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस आज सीएम हाउस का घेराव करेंगी। इससे पहले महिला कांग्रेस प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध को लेकर प्रदर्शन भी करेंगी। ये प्रदर्शन राजधानी के राजीव चौक से शुरू होगा, जिसमें प्रदेश भर की महिलाएं रैली निकालकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह आज बिहार के पटना में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में देश भर से 800 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। मणिपुर में हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते शुक्रवार को हुए ड्रोन और रॉकेट हमले में एक बुजुर्ग की जान चली गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। मणिपुर में बढ़ती हिंसा को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर आज सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक बार फिर सरायकेला खरसावा जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार को लेकर कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों के लिए आयोजित संयुक्त कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सीधे कार्यक्रम स्थल के पास बने हेलीपैड पर उतरेंगे और वहीं से रांची लौट जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से कार्यकर्ता आभार यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर से होगी। आपको बता दें कि रविवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी जानकारी दी है। रायपुर कार्यालय में एक बार फिर मंत्री कार्यकर्ताओं की परेशानी सुनेंगे और उसका त्वरित निदान करेंगे। आज से 13 सितंबर तक भाजपा की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और लोगों की परेशानी को सुनेंगे। आज कृषि और आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम लोगों की परेशानी को सुनेंगे। ट्रैफिक सोल ITS टेक्नोलॉजी लिमिटेड IPO 44.87 करोड़ रुपए का एक बुक बिल्ट इशू है, जो सब्सक्रिप्शन के लिए आज खुलेगा। ये 64.1 लाख शेयरों का पूरी तरह से फ्रेश इशू है। बता दें कि कंपनी के प्रमोटर जितेंद्र नारायण दास और पूनम दास है। मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ के प्रोडक्ट सांची का अधिग्रहण केंद्र सरकार का उपक्रम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कर सकता है। आज NDDB और पशुपालन व डेयरी विभाग के बीच भोपाल में बैठक होनी है। बता दें कि इस बैठक में सांची के अधिग्रहण पर मोहर लग सकती है। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस बार ये व्रत 10 सितंबर यानी कि आज रखा जाएगा। रामगढ़ में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के जरिए आम नागरिकों की समस्या पुलिस दूर करने वाली है। आज रामगढ़ शहर के छावनी परिषद मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। SP अजय कुमार ने बताया कि आम नागरिक बढ़ चढ़ कर उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिन लोगों की भी समस्या होगी उसे दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1847 में हवाई द्वीप में पहला थिएटर खुला था। आज ही के दिन सन 1872 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1923 में बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार सुकुमार राय का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1966 में संसद ने पंजाब एवं हरियाणा के गठन को मंजूरी दी थी। आज ही के दिन सन 2002 में यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।